हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है थोड़ा साडे यूट्यूब चैनल पर। अज असी अपने चैनल पर एक थोड़ी डिफरेंट तरीके की वीडियो लेके आए हैं जी, जिदे विच असीं तुहानूं दिखावांगे कि आपां जिवें लोग जिहड़े कपड़े पाउंदे आ, कोई टी शर्ट पजामा जैकेट्स जिवें हो गईआं, उह किद्दां बणदे। तुसीं कहोगे कि अपने चैनल दे उत्ते हुणे किहड़ी वीडियो पा रहे आ, लेकिन देखो नॉलेज दे लई असीं एक वीडियो अपडेट करदे आ जी, अपलोड करने आ इहदे ते, वी जिहदे विच तुहानूं चलो साडे चैनल दे थ्रू कोई थोड़ी बहुती नॉलेज जिन्नी भी किसे चीज़ की मिले ते बैटर आ जी वह भी। तो बाकी जो असी कर सकते हैं असं वीडियो दिखावे थोनों भी जैकेट जी हैगी जैकेट जिमें आप जी जैकेट सर्दियों पाने वो कि बनती है, किदा कटिंग होंगी है जी, वह तो अपना पहला सब तो स्टार्टिंग प्रोसैस वह दिखावे, स्टार्टिंग कितों होंगी है वो। तो जिमें आप लगता भी यार जैकेट किदा सिंगल सिंगल पीस कटते हैं, कोई सिंगल सिंगल पीस नहीं कटते, लेयर के जैकेट कट्टी जाती है। स्टार्ट करते हैं जो थोड़ा दिखाने ये कि जैकेट कट्टी जाती है। सब तो पहले तुम दिखाने जिहड़ा डिजाइन इतने जैकेट का जी कट्टन जा रहा है, ये आह आर्टिकल है जी, ये अंदर फर लगी हुई है तो पूरा हैवी दे आर्टिकल है। डिजाइनिंग तुम देख सकते हो, डिजाइनिंग बहुत वधिया है, कैप के उत्ते भी फर वगैरह लगी हुई है जिवें अजकल आर्टिकल जिहड़े चलते आ, जिप भी डिजाइनर आ सारे हर तरह, जिवें इन्हां नूं आईलेट्स कहिंदे आ जी, इन्हां नूं आईलेट्स हुंदे आ, जिप हुंदी आ, यदि डोरी हो जाती है, अलग अलग ने जी। ये स्टार्टिंग कितों होंगी है, सब तो पहला ये पैटर्नस बनते जी, इन्हें आप शेप तो थोड़ा दिखाने, शेप तो थोड़ा इस चीज़ का आइडिया होएगा। जिमें आ देखो आ शेप एक बनी हुई है वी शेप टाइप, आ शेप का यह पैटर्न है जी, सब तो पहला आ शेप का यह पैटर्न हो गया, आ पैटर्न है जी यदी हुड का, हुड की साइड का, यदि बैक साइड तक होर पट्टी लगती है, तो आ पैटर्न हो गया जी, यदि पूरी फ्रंट का पैटर्न हो गया, फ्रंट की शेप तुम देख सकते हो, फ्रंट की शेप आ रही है ये, वैसे ये फ्रंट का नहीं है, ये बैक का पैटर्न है जी, इसे यूज़ कर लेंगे फ्रंट च, उसे यूज़ कर लेंगे बैक के, सिंगल साइड कट्टन के तो फ्रंट हो जाती है जी। तो उस तो बाद दिखाइए बाजू का पैटर्न जी, जिमें बाजू की शेप आ उस तरह ना शेप ना, सब तो पहला पैटर्न कट लेंगे जी, जिमें कि तुसी आ देख सकते हो चाक के निशान है जी, चाक के नाल इत्थे निशान लगते हैं, आ जिमें फ्रंट की शेप लगी हुई है, आ विच इहदा चांद लेबल जिहनूं कहिंदे आ जी, इस तरह ना निशान लगते जाते हैं, जिमें पैटर्न रखते आ ते निशान लगा देंदे जी। इस तरह ना निशान लगाउणगे सारे जिहड़ा जिहड़ा कल्ला कल्ला पीस दे विच, जिवें आ कोई भी आ पार्ट आ यूज़ होया वा पार्ट, अंदर वाला कोई पार्ट अंदर वाले इस चीज़ नूं अंदर वाले नूं फैशन कहिंदे आ, अंदर वाला फैशन आ बाहर वाला फैशन हुंदा जी, इहदा भी निशान वक्खरा लग जांदा इहदा, ते रिब अलग तो कटदी आ इहदी, अस्तर जिहड़ा हुंदा इहदे अस्तर कहिंदे इहनूं, फर लगी आ अलग तो कटदी आ, इहदे विच फोम लगदी आ, फोम अलग तो कट्टी जाएगी जी। उस तो बाद सारा पीस तैयार होने तो बाद फिर ये बटन वगैरह ये आईलेट्स वगैरह इनू आईलेट्स कहते हैं, आईलेट्स जोड़े बाद च लगते हैं, स्टीकर जोड़े ने यह पेल लग जाते हैं जदों पीस कटते कटते, ये जो कटिंग कर लेंगे इनू पार्ट में अलग कर लेंगे आह वाले कपड़े के कट्ठे ही, फिर कट्ठे ही प्रिंट हो जाते हैं, जा प्रिंट या स्टीकर कुछ भी लगना होंगे लग जाता है ये। इस तरह जिमें देखो एक कॉलर का पैटर्न आ जी, ये कॉलर का पैटर्न लगा रहे हैं, इस तरह ने इनू पैटर्न लगाने तो बाद जिमें एक निशान प्रॉपर पूरे हो जाएंगे सारे पीस दे, जिदा कि तुम देख सकते हो जी, इतने लेयर इन्हों की खत्म हो गई है, तो इतने 8 मीटर तक का निशान इन्होंने लगाया भी 8 मीटर कपड़ा जोड़ा यूज़ हो रहा वा चार पीसा के लिए, चार पीस मीनस एम एल एक्सएल डबल एक्सएल चार पीसा के साइज़ लगते हैं, तो उन्होंने हूँ 8 मीटर की पूरी लेयर करके उस तो बाद जे थान ने जिमें हम मस्टर्ड कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया, नेवी कलर हो गया, पिस्ता कलर आ, ब्लैक कलर आ, मैरून कलर आ, इदा 6 दे 6 थान जिमें खोल ले एक डिजाइन के 6 थान या 7 थान लगते हैं, थान पूरा खोल के लेयर के उपर लेयर लगाएंगे जी, ये लेयर लगाने तो बाद एड्डी मोटी लेयर हो जाती है, 1.5 इंच की लेयर हो जाती है, ये लेयर में जोड़ा कट्ठा है कैंची नाल नहीं कट्टी जाती है, यह जिमें इंडस्ट्रियल कटर हों जी, ये 8 इंची का कटर है, ये 8 इंच तक मोटी लेयर कट्टी जा सकती है, मूहरे ब्लेड लग्या होंदा ये आदा प्रोटैक्टर हों के, तो ये लेयर जी कट्टी जाऊगी, तो उस तो बाद फिर जैकेट जी पर कलर के हिसाब न बंडल बन देंगे, पर साइज़ पर कलर के हिसाब न बंडल बन देंगे, तो दर्जी को चलिया जाता सिलाई वास्ते, प्रिंटिंग वाले को अपना प्रिंटिंग वास्ते।
ਸਾਰੇ ਸੰਦ ਖੋਲ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ? जिमें कि तुम देख सकते हो कटिंग हो चुकी है यदि कटिंग इतना लेयर कटिंग हो जाती है। जिमें देखो ये घट्टो घट 2 इंच मोटी लेयर है जी। ये कटर के नाल चल के कटिंग की बैक है यदि आ दूजे साइज़ की बैक है जी। एम साइज़ जिमें लिखे इतने एम साइज़ की बैक आ हाँ एल साइज़ की बैक आ। इदी सारे हर एक जिन्होंने गुला कहें हर एक गुला वक्रा वक्रा कटिया जाता है तो इस तरह ना बंडल बना देंगे बाद दे सारी आइटम मिक्स करके फ्रंट बैक बाजू वो होगी कोई भी पॉकेट जी लगनी है वह लग के इस तरह बंडल बना के फिर दर्जी में दिता जाता दर्जी फिर यदि स्टिचिंग शुरू करता है जी। उतो बाकी जिमें अगे रेडी होणगे पीस उदा दी थोनू वीडियो भी अगे दिखाते रहेंगे। थैंक यू।